आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज इसी का परिणाम है आजमगढ़, जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था। आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए तो भाइयों बहनों कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे, लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी 17 के पहले, 19 के पहले जिस आजमगढ़ को लखनऊ पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, आज मात्र 2 से 2.5 घंटे में आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग, महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना है, विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। विश्वविद्यालय ने अपना सत्र प्रारंभ किया और बहुत शीघ्र उसके भव्य भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है।